और कोई आधा घंटे पहले ही जी हमारे मेहमान जो है वो फ्लाइट में जी बैठ चुके थे। ला मुसाफिर जी हमारे आ चुके हैं सारे और जी बर्फ बन चुका है इधर देखें। ओ तेरी खैर हिल भी नहीं रहा। तो दंदों से जी पारा कर लिया है प्लास्टिक को और अभी जी हमारा दूध गर्म होगा। -7 टेंपरेचर चल रहा है। ये वड़ ना ये होता है, ये वड़ गया है प्रोग्राम तो वड़ गया भाई। केटल में जी दूध रख लिया था ताकि दूध को गर्म करे और कॉफी पिए और प्रोग्राम वड़ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहू। तो नाज़रीन एक नए व्लॉग के साथ जी आप तमाम की खिदमत में हाजिर है और जैसा कि लास्ट व्लॉग में जी आप तमाम को बता दिया था कि क्वेटा में जी वो हल्की पुल्की बर्फबारी हो गई थी और आपका भाई जी वॉक के लिए निकल चुका है डैम साइड पे। तो का एक शॉट आपको बर्फबारी के भी दिखा दूँ। तो व्लॉग का टाइटल जी आप तमाम पढ़ चुके हैं। आज हमारे घर में जी मेहमान आने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो तभी आपका भाई जो है वो रात को सोया नहीं और अभी जी पहले आया, थोड़े से सीन्स आपको दिखा दें बर्फबारी के, देन जाएंगे नाश्ता वगैरह का सीन्स करेंगे, देन उसके बाद जाएंगे एयरपोर्ट अपने मेहमान को पिक करने के लिए। अभी आपको थोड़ा सा जी सीन्स दिखाते हैं बर्फबारी के और आप भी जी इंजॉय करें। तो हमारे साथ रहिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डैम साइड पर जी आ गए हैं और यहाँ पे जी हम अपना वॉक फिनिश कर रहे हैं क्योंकि 7 बजे बज चुके हैं और 8:30 बजे जी हमें एयरपोर्ट की तरफ जाना है। तो हमारे कज़न्स वगैरह और उनकी फैमिली जो है वो ऑस्ट्रेलिया से जी आ रही है तो उनको पिक करने के लिए जी जा रहे हैं। तो तभी अपना वॉक जो है वो डैम साइड पे ही जी फिनिश कर लिया है, टाइम बचत कर लिया है और आगे जी बता भी दिया तमाम को पुराने व्लॉग में कि रास्ता वैसे भी स्लिपी है और पाँव फिसल रहे हैं जी बर्फबारी की वजह से। तो अभी जाएंगे जी जल्दी से नाश्ते वगैरह का सीन्स करते हैं और कुछ कार पी लेते हैं और तैयार होते हैं जी एयरपोर्ट के लिए, तो ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। तो हमारे साथ रहिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें जी। नाश्ते के सीन जी तैयार हो चुके हैं और नाश्ते में जी आज आपका भाई खाएगा 1000 की कोचा। माशाल्लाह से कोचा को लेके जी जाएंगे होटल। नाश्ता भी जी हमारा आ चुका है, कोचा जो कि ले आए थे और साथ में जी हुसैन होटल के जी पराठे। वाह वाह वाह। तो जल्दी से नाश्ता करते हैं जी, देन हमें एयरपोर्ट जाना है, देन आपको आगे सीन्स दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी नाज़रीन नाश्ता भी कर लिया है और घर के पास जी आ गए हैं। गाड़ी वाले का इंतज़ार कर रहे हैं तो गाड़ी वाला आ जाए ताकि जाए एयरपोर्ट। और कोई आधा घंटे पहले ही जी हमारे मेहमान जो है वो फ़्लाइट में जी बैठ चुके थे और कराची से जी आ रहे हैं। तो इंटरनेशनल जी बेसिकली उनका कराची में था तो कुछ दिन जो है वो कराची उन्होंने स्टे कर लिया था और अभी जी कराची टू क्वेटा आ रहे हैं भाई यार, तो उतना बेसिकली स्टे नहीं। तो आधा घंटे पहले जी वो जहाज़ में बैठ चुके थे और हमें भी जी तकरीबन कोई 20-25 मिनट लग जाएंगे तो तब तक वो भी लैंड कर लेंगे खैर से। तो जल्दी से गाड़ी वाला आ जाए ताकि लेट ना हो जाए। सर्दी भी जी कमाल की है, -7 जी चल रहा है तो उम्मीद है कि अगर सूरज गर्मी निकल जाए तो थोड़ा बहुत शायद मौसम जी वो कंट्रोल में हो जाए, नहीं तो अभी से ही हमारी कुल्फ़ी बन गई है और 2 मिनट जी खड़े हुए हैं बाहर। तो आपके भाई का जी कुल्फी बन चुका है, गाड़ी भी जी आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। तुर भाई देख सख्त जुर्माना खानो बस इनाल तुमने पोजा में दरों फ्लाइट लैंड कर रही है और तू अच्छा लेट करी। आजान वो आजान सब बड़े अम्मा पीछे जाना बुर रोजर वास को दुरुन भी शीशा भाई जल्दी खम्बल रहा भाई इनकी नोनो ही नोनो रहा यख नजला नोनो रहा हम देखा। तो चलते हैं यार के लेट हो गए हैं, मौला का नाम लेके जी चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अली मदद, अली मदद चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु या अली मदद। यार -7 जो है सेंटीग्रेड की सर्दी की वजह से आप गाड़ी का शीशा देखें जी, तो गाड़ी के शीशे को भी जी सर्दी लग गई है और ये सूरत हाल है। तो आ चुके हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह से जी क्वेटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। छोने गाड़ी भी शिंची मुझे देखा था मुझने
तो अल्हम्दुलिल्लाह जी खैर से पहुंच चुके हैं जी क्वेटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अभी अपने मेहमानों को जाएंगे जी रिसीव करेंगे। अजान साहब जी अपना व्लॉगिंग कर रहे हैं तो इनके चैनल को भी जी सब्सक्राइब करें। तो आ गए हैं जी अपने छोटे से टर्मिनल के पास और कराची टू क्वेटा जी है 8:15 जी पहुँच जाएंगे जी इंशाल्लाह। और अभी तक जी गेट क्लोज है तो हमारे मुसाफिर जी आए नहीं और टाइम हो रहा है जी 8:01। तो 8:14 हो गए हैं, कड़ी ख़राब है जी स्क्रीन में, तभी हम परेशान हो गए। तो अभी इंशाल्लाह हमारे मुसाफिर जो है वो आ जाएंगे जी, अराइवल कर लेंगे। मुसाफिरों को आने में जी कोई 10-15 लग जाएंगे, तभी जी रेस्ट कर रहे हैं अजान साहब के साथ जी कुर्सी में बैठ के। अजान साहब जी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और बदकिस्मती से जी इनका व्लॉग अधूरा रह चुका है, इनके मोबाइल का जो चार्ज है वो ख़त्म हो चुका है। तो वेट करते हैं जी जैसे ही हमारे मुसाफिर वगैरह आ जाए दिन आपको आगे किस चीज़ दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसाफिर जी हमारे आ चुके हैं सारे और अभी जी बैगों को जी गाड़ियों में रख रहे हैं और थोड़े बहुत लेट आ गए थे तभी जी परेशान हो गए थे, तो भी रखते हैं जी बैग्स को अंदर। तो बैग्स वगैरह भी हो गए जी, मिलते हैं आप तमाम से घर में, हमारे साथ रहिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना भूले जी। तो चलते हैं भाई, चलते हैं कि लेट हो गया या अली मदद साहब। शुक्र भाई शीशा साहब शुक्र यार, हाँ सही कपड़ा मपड़ा हम दे दिया खूब ज़बरदस्त। चलो भाई घर पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह। नीचे से जाएंगे लोग क्योंकि ऊपर जो है वो सीढ़ियों में सारा बर्फ जमा हुआ है। चले जी बैग्स को लेके जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सीढ़ियों में जो है वो कल बर्फबारी हो गई थी और पानी की वजह से जम गया है, तो तभी अपने मुसाफिरों को जो ये नीचे वाले रास्ते से जी लेके जाएंगे और अभी बैग्स वगैरह जी इनके लेके जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी मेहमान आ गए हैं और बैग्स वगैरह भी जी रख लिए हैं, तो और अभी जो है वो जाएंगे अपने मेहमानों के लिए जी नाश्ता लेके आएंगे क्योंकि सुबह हो गई है। वाह भाई वाह, गर्मा गर्म पराठे लगाए जा रहे हैं माशाल्लाह से। -20 कितना कितना बड़ा झूठ, -20 में हम घर से ना निकले। भाई साहब नाश्ता वगैरह भी जी कर लिया और मेहमान वगैरह जी हमारे वो आराम फरमा रहे हैं क्योंकि काफ़ी तक भी चुके हैं और उनकी नींद भी पूरी नहीं थी, और दाना भी जी लेके आ गए थे कबूतरों के लिए। और साथ में जी सीन्स चेक करें, -7 की सर्दी और पानी जो है वो बर्फ़ में बन चुका है, फ्रीज हो चुका है, और ये दूसरे जी प्याले के सीन्स है पूरा ही जी बर्फ़ बन चुका है। इधर देखें, ओ तेरी खैर हिल भी नहीं रहा, ओहो नीचे से जी फ्रीज हो गया। इधर देखें, तो आप लोग शायद समझ रहे हैं मैं मजाक कर रहा हूँ मगर इस किस्म की जो है वो सर्दी है क्वेटा में -7, पर अब ये हिल नहीं रहा। तो एनीवेज जी दाना डाल देते हैं जी इधरी ज़मीन में इनके लिए, कबूतर वगैरह भी जी इंतज़ार में है कि हम दाना डाल दें जी और ताकि वो जी बिस्मिल्लाह कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل فرجه। तो ऐसे मुख्तलिफ पोजिशन में भी डाल देते हैं क्योंकि रश कश काफ़ी बन जाता है। वाह वाह, दाने वगैरह भी जी सारे फर्श पे जी डाल दिए हैं और कोई चिल्तंस के जी सीन चेक करें, गर्मी निकली है अभी और बादल जी सारे जा चुके हैं और वो सीन्स है जी कोई जरगून के तकतू के, अभी आस्ते आस्ते वहाँ पे भी जी बादल जो है वो गिर रहे हैं, गुम हो रहे हैं और वहाँ का जो है वो बर्फ़ आपको नज़र आ रहा है, और ये सारा जी सिलसिला है कोई तकतू के। ये सीन्स है भाई, और साथ में आपको मैं कुछ दिनों पहले वाली वीडियो जी डालना भूल गया था तो वो भी देखें जी, माशाल्लाह से कबूतर किस तरह रश कश में जी जमा हो जाते हैं जी दाना पानी पीने के लिए, तो वो भी आप तमाम के लिए जी चलाते हैं फिर आपको आगे के सीन्स दिखाते हैं। 2000 years later।
भैया गए हैं करबलाई बशीर साहब के पास और ऐसे लग रहा है कि जैसे सियालदारी है। तो कल हम करबलाई बशीर साहब को कॉफी हमने जी पिला लिया और आज जो है करबलाई बशीर साहब हमें हमारे लिए जो है कॉफी बना रहे हैं स्पेशली अपने हाथ से। तो अली भाई जी अभी हिला रहे हैं कॉफी को माशाल्लाह से। जनाब हमें किस कारोबार में लगा दिया है, कहते हैं कि कारोबार में लोग देख चस्के ले रहे। तो कल आप नहीं आए थे ना, कल आपके लिए कॉफी लेके आए थे। जुर्माने की तौर पे मुझे यहाँ पे लगा दिया है कॉफी बनाने के लिए। ये देखे चंगेज साहब जी माशाल्लाह से बैठे परेशान बैठे हुए हैं। क्या देखे दिखाओ अभी। तो ये देखे व्यूअर्स। एक घंटा इंतजार कर रहे हैं और अभी फाइनली जी लाइट आ चुका है और वहाँ पे जी हमारा दूध गरम हो रहा है और यहाँ पे जी अली भाई ये भी कॉफी को मेल्ट कर रहे हैं। देखे वाह माशाल्लाह। ये देखे वाह नामी सेट ब्यूटीफुल क्रीमी कॉफी है। वाह जबरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दंदों से जी पारा कर लिया है प्लास्टिक को और अभी जी हमारा दूध गर्म होगा। माशाल्लाह। सर्दी का मौसम है, -7 टेम्परेचर चल रहा है। ये वड़ ना ये होता है, ये वड़ गया है प्रोग्राम तो वड़ गया भाई। महंगा कॉफी है। केटल में जी दूध रख लिया था ताकि दूध को गर्म करे और कॉफी पिए और प्रोग्राम वड़ गया। प्रोग्राम बाबा बड़े शिशोर दादा रही प्रोग्राम वड़ गया। बस बेलो तो साइड बेलो भाई। पहले से जी एक घंटे से इंतजार कर रहे थे कि लाइट आ जाए और अपना कॉफी जी बना ले और बीच में जी लाइट आ गया और पांच मिनट भी नहीं गुजरे, 2 मिनट हो गया कि लाइट जी वड़ गया। अलग तू बशीर मने चाहिदा गंदा तरफ थी बुर्दी लाइट है ममाद स्पष्ट। वाह 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 इस तो जोर मशना खो मोम याद बिगड़ी। ये काशुक कॉफी है दफ्तर शुद्ध करबलाई बशीर साहब के हाथ के बने हुए जी कॉफी ट्राई करेंगे आज। नाम खुदा माशाल्लाह। जय चंगेज भाई खाली चंगेज भाई जय करबलाई जिशान खाली जय जिशान खाली सर माशाल्लाह। हमारा कॉफी तैयार हो चुका है जी और करते हैं जी चाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह 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 वाकई करबला बशीर दस्त शुमा दर्द ना को ना माशाल्लाह माशाल्लाह। कॉफी है टेस्ट पागल पागलों की तरह कॉफी के पीछे भागते हैं। -7 की सर्दी और -7 की सर्दी में और बशीर भाई ने पहली मर्तबा में इतना खूबसूरत और दिल फरेब कॉफी पिलाई है। वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अली भाई को 2 दिन लग गए जी एक जुमला बोलने में।